biar om biar मैं नहीं मेरे पिताजी का नहीं एक डेढ़ महीने से माथा खा रहा था क्या कि मेरे को मोबाइल दिला दो मोबाइल दिला दो मोबाइल दिला दो। तो मेरे पिताजी ने है नहीं मेरे को है नहीं फाइनली है नहीं बोल दिया कि जा ले ले कहीं का भी फ़ोन ले ले माता मत खाए मेरा मैंने 10,000 रुपये दिए अपने को। तो अपने को क्या 10,000 के अंदर अंदर एक फ़ोन लेना था। तो अपन गए किसके पास किसके पास यस बैग पास। तो उनने क्या अपने को ऐसे मस्त मस्त से 5 फ़ोन बताए। तो यार मैं आपको बताता हूँ देखो कौन कौन से 5 फ़ोन बताए पूरा देखना है मज़ा आएगा। भाई 5वें नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M20। इस फोन के अंदर हमको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा हमको इसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का। पॉजिटिव्स इसके बहुत सारे हैं यार। इसमें हमको बैटरी मिलती है 5000 mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी के सपोर्ट के साथ में जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और इसके प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो एक्जिनॉस का 7904 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक डिसेंट सा फ़ोन है। अगर निगेटिव्स की बात करते हैं तो यार इसके अंदर हमको एक TFT स्क्रीन देखने को मिलती है और साथ ही में हमको इसका एक और निगेटिव पॉइंट में मेरे हिसाब से अगर बताता हूँ तो इसका प्रोसेसर मेरे को इतना फास्ट लगता नहीं है जो इस प्राइस पॉइंट पर दूसरे फ़ोन्स के अंदर मिलता है। हालांकि अगर इस प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो 9,990 रुपये में आपको इसका 3GB+32GB वाला वेरियंट मिल जाएगा। भाई 4 नंबर का जो फ़ोन है ना वहाँ पर हमको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था रियलमी के 2 फोन्स के बीच में Realme 3i और Realme U1 के बीच में। लेकिन हमने पिक किया है Realme 3i को। जिसको पिक करने का रीज़न मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो यार कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है साथ ही में हमको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसमें हमको 4230 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो MediaTek Helio P60 प्रोसेसर के साथ में ये आता है। लेकिन यार इसका एक छोटा सा निगेटिव जो मेरे को लगता है वो है कि यार ये HD+ इसमें डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है हमको Full HD+ डिस्प्ले इसमें नहीं मिलता है। और इसका एक और छोटा सा अगर निगेटिव की हम बात करते हैं अगर इसको U1 से हम कंपेयर कर रहे थे तो कंपेरिजन इसी चीज़ में था कि ये वाला फ़ोन हमको मिलता है MediaTek Helio P60 के साथ में वहीं पर U1 हमको मिलता है Helio P70 के साथ में। लेकिन फिर भी हमने इसको पिक किया है उसका रीज़न है इस प्राइस पॉइंट पर इसका मेमोरी वेरियंट 9,999 के प्राइस पॉइंट में हमको इसका 4GB+64GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। तो इसलिए हमने इसको U1 से पहले हमारी लिस्ट में शामिल किया है। भाई 3रे नंबर पे हमने रखा है Redmi Note 7S को। और यार इस प्राइस पॉइंट के अंदर जो फीचर्स ये फ़ोन देता है ना यार कमाल के फीचर्स देता है। इसमें कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो हमको 48+5 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा मिलता है साथ ही में 13 मेगापिक्सल का इसमें हमको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर हमको मिलता है इसमें Snapdragon 660 प्रोसेसर जो कि एक बहुत अच्छा सा प्रोसेसर है। उसी के साथ में 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी सपोर्ट मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि यार ये ग्लास बैक के साथ में आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो बहुत ही कमाल का धांसू सा फ़ोन है। निगेटिव्स इसके मेरे को मिल नहीं रहे थे लेकिन फिर भी मैं इसका एक निगेटिव निकाल के ये लाया हूँ कि इसके अंदर हमको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इसमें हमको डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता मेमोरी के लिए। लेकिन फिर भी यार 9,999 के अंदर 3GB+32GB इतने सारे फीचर्स के साथ में अगर फ़ोन मिलता है ना बहुत कमाल का बहुत धांसू सा फ़ोन है यार ये। भाई अगले जो 2 फ़ोन है ना उनमें से किसको 1 पे रखें किसको 2 पे रखें वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो हम दोनों को ही नंबर 1 पे रखते हैं। एक फ़ोन है रियलमी का 5 और दूसरा है Infinix Hot 8। यार दोनों अपने अपने प्राइस के हिसाब से ना बहुत तगड़ा कन्फिग्रेशन हमको दे रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं Realme 5 की। तो यार इस प्राइस के अंदर 10,000 के अंदर हमको एक ही फ़ोन ऐसा मिलता है जहाँ पे हमको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। इसके अंदर हमको मिलता है 12+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे। उसी के साथ में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है साथ ही में 5000 mAh की बड़ी बैटरी हमको मिल रही है। प्रोसेसर में हमको स्नैपड्रैगन की तरफ से 665 प्रोसेसर मिल रहा है। तो कन्फिग्रेशन के हिसाब से बहुत तगड़ा फ़ोन है। माइनस पॉइंट की अगर बात करते क्योंकि माइनस पॉइंट हमको नेगेटिव पॉइंट निकालना होता है तो वही HD+ इसमें हमको डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 9,999 के अंदर आपको 3GB+32GB वेरिएंट मिल रहा है। यार बहुत शानदार से स्पेसिफिकेशन है जिस प्राइस में हमको ये मिल रहा है। तो भाई आखिरी में बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 की। तो यार इसके अंदर हमको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जहाँ पर हमको पहला कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस एक VGA कैमरा मिलता है लो लाइट सेंसर के साथ में। जिसको जो इसका फ्रंट कैमरा है वहाँ पे हमको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बड़ी सी बैटरी है 5000 mAh की। प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो MediaTek के Helio P22 प्रोसेसर के साथ में आता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार बहुत पुराना सा प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन हमको अवेलेबल कराया जा रहा है उस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन बेस्ट है।
कि यार 6999 यानी कि 7000 रुपए के अंदर आपका आपको 4GB प्लस 64GB वेरिएंट मिल रहा है। तो यार इस प्राइस पे इतने सारे स्पेसिफिकेशन के साथ में 4GB प्लस 64GB मिल रहा है ना, बहुत मस्त सा, बहुत धांसू सा कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको इस प्राइस पॉइंट पर बोलूंगा। अरे आर्यस भाई यार, ये तो तुमने और कंफ्यूज कर दिया यार मेरे को, मतलब पाँच ही मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ये भी ले लूँ, नहीं ये भी ले लूँ, सब ले लूँ। तो भैया आपके कहीं समझ पड़ रही है क्या कि कौन सा लेना चाहिए है? अगर समझ पड़ रही हो नहीं तो नीचे कमेंट में मेरे को ऐसे लिख के बता देना यार कि ये वाला फ़ोन ले ले, ये वाला सही रहेगा तेरे लिए, है नहीं? ने आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा देना, ने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो तो उसको दबा के चपटा कर दो, ने अपन अगले वीडियो में मिलते भैया, ठीक है? पर यार भैया उसके पहले एक बात बताओ कि ये व्हाट्सएप में ने छोरी छोरी के चड्डी डाइपर में क्या समानता रहती है? नहीं मालूम। अरे दोनों में होता जाता कहीं नहीं है, जरा जरा में ऐसे हाथ लगा के चेक करना पड़ता है।